222 करोड़ की मालकिन एक एपिसोड के लिए लेती है 10 लाख। पहले पति को तलाक दे 4 साल छुपाई थी दूसरी शादी। बॉलीवुड ने टीवी की दुनिया तक कई ऐसे सितारे हैं जो अपनी स्ट्रगल भरी करियर जर्नी से हर किसी को बैद कर चुके हैं। आज उन्होंने अपने करियर में जो मुकाम हासिल किया है उसके लिए उन्होंने अपना खून पसीना एक कर दिया था, तब जाकर उन्हें आगे चलकर जबरदस्त सफलता का स्वाद चखने को मिला है। ऐसी ही कहानी पेश करती है आप सबकी फेवरेट कॉमेडियन क्वीन अर्चना पूरन सिंह की। नई दिल्ली 100 साल की हो चुकी अर्चना पूरन सिंह का जन्म 24 सितंबर 1962 को देहरादून उत्तराखंड में हुआ था। वो टीवी प्रेजेंटर और बॉलीवुड फिल्मों में कॉमेडी के लिए जानी जाती है। इस उम्र उनके ग्लैमर के आगे बॉलीवुड की न्यू कमर एक्ट्रेस पानी पड़ती है। 4 दशक से एक्टिंग इंडस्ट्री पर राज कर रही है। बता दें कि आज भले ही कॉमेडी क्वीन के नाम से फेमस है लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने अपनी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल किया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अर्चना का फिल्मों के कोई गॉडफादर नहीं था। इसके साथ ही वो फिल्म इंडस्ट्री में किसी को जानती नहीं थी। उन्होंने बतौर मॉडल अपने करियर की शुरुआत की थी। उन्हें पहली बार प्रोड्यूसर जलाल आगा के बैन एंड के विज्ञापन से नोटिस किया गया था। इस विज्ञापन के बाद अर्चना पूरन सिंह की किस्मत खुल गई। उन्हें पहली बार में ही बॉलीवुड के बड़े डायरेक्टर बी आर चोपड़ा द्वारा निर्देशित और निर्मित फिल्म निकाह में काम करने का मौका मिल गया। यह फिल्म साल 1982 में रिलीज हुई थी। फिल्म में राज बब्बर, दीपक प्रसाद और सलमा आगा को लीड रोल में देखा गया था। यह उस साल की ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। फिल्म निकाह में अर्चना पूरन सिंह महज 10 सेकेंड के रोल में देखा गया था। अलग हुआ 10 सेकंड के रोल में फिल्म डायरेक्टर को काफ़ी प्रभावित किया। इस फिल्म के रिलीज के बाद अर्चना को एक बार फिर से साल 1987 में आई फिल्म जलवा में देखा गया। इस फिल्म में अर्चना को नसीरुद्दीन शाह के अपोजिट देखा गया था। इस फिल्म में वह पहली बार लीड रोल में देखी गई थी। अर्चना पूरन सिंह फिल्मों में छोटे मोटे रोल करने के अलावा टीवी की दुनिया में काफ़ी एक्टिव है। वह कॉमेडी शो द कपिल शर्मा शो और कॉमेडी सर्कस में जज के रूप में जानी जाती है। वह कॉमेडी शो बिना कुछ किए अपनी एक ठाके बड़ी हंसी से करोड़ों कमाती है। पिच 18 इंग्लिश में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार अर्चना पूरन सिंह द कपिल शर्मा शो में साल 2019 में नवजोत सिंह सिद्धू को रिप्लेस करने के बाद अपनी जगह बनाई थी। वह प्रति एपिसोड 10 लाख रुपए चार्ज करती है। रिपोर्ट की माने तो शो के तीसरे सीजन के लिए उन्हें 8 करोड़ रुपए की फीस ली थी। रिपब्लिकन वार की एक रिपोर्ट के मुताबिक अर्चना पूरन सिंह की नेटवर्क करीब 222.343 करोड़ है। आपको बता दें कि अर्चना पूरन सिंह ने अपनी लाइफ में 2 बार शादी की है। टाइम नाउ हिंदी में छपी एक रिपोर्ट में अर्चना परमिश सेट्टी संग शादी करने से पहले शादीशुदा थी। हालांकि बाद में उन्होंने अपनी तोड़कर परमिश सेट्टी संग शादी रचाई थी। रिपोर्ट में अनुसार परमिश के बारे में अर्चना ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मेरी पहली शादी के बाद नहीं चाहती थी कि कोई भी पुरुष मेरी ज़िंदगी में आए, लेकिन परमिश ने मिलकर मुझे लगा कि पुरुष भी कोमल और सेंसिटिव हो सकते हैं। हालांकि उन्होंने अपने पहले पति के बारे में कभी किसी को कुछ नहीं बताया था कि वो कौन है और क्या करते हैं। अर्चना परमिश सेट्टी की शादी 30 जून 1992 को हुई थी। इस शादी से पहले कपल को 2 बेटे आर्यमान और आयुष्मान है। दोनों अपनी शादीशुदा लाइफ में काफ़ी खुश है। बता दें कि कॉमेडी शो द कपिल शर्मा शो से बतौर जज अर्चना ने परमिश को लेकर खुलासा किया था कि 4 साल तक उन्होंने परमिश सेट्टी संग अपनी शादी की बात छिपाई थी, क्योंकि परमिश सेट्टी की फैमिली को अर्चना का एक्ट्रेस होने पर आभारी था और वह इस शादी के खिलाफ थी।